हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ड्राई फ्रूट्स नमकीन की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और आप इसे कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो अब इधर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी लिया है और इसे गर्म कर लिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा काजू, और काजू को इसमें अच्छे से रोस्ट कर लेंगे घी के साथ। और गैस को लो टू मीडियम हीट पे ही रखना है, ज़्यादा इसे तेज़ नहीं करना है वरना जो हमारे काजू हैं वो जल सकते हैं। और धीरे धीरे इन्हें रोस्ट कर लेंगे 10 से 15 मिनट तक। अब आप देख सकते हैं कि काजू का कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो अभी रोस्ट हो गए हैं, इन्हें निकाल लेंगे। अब दोबारा इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, साथ में ही ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा बादाम, और इन्हें भी लो हीट में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो इधर हमारे बादाम भी रोस्ट हो चुके हैं, तो अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नारियल और इसको भी साथ में थोड़ा देर के लिए रोस्ट कर लेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्प हो जाए। अभी रोस्ट हो चुके हैं, तो चलिए इनको निकाल लेते हैं। अब इधर पे ऐड करेंगे थोड़े से मखाने, इन्हें भी रोस्ट कर लेंगे 10 से 12 मिनट तक। और थोड़ा देर में ही हमारी ड्राई फ्रूट्स नमकीन बनके रेडी हो जाएगी। ये नमकीन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, क्योंकि इसमें जो ड्राई फ्रूट पड़े होते हैं वो प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, साथ ही इसमें विटामिन, फाइबर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। और इनको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप इनको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा घी डाल के रोस्ट किया है। तो देख सकते हैं कि हमारे मखाने भी रोस्ट हो चुके हैं, तो इन्हें भी निकाल लेते हैं। और अब गैस को बंद कर देंगे और जो भी हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे दोबारा इसी कढ़ाई में डाल देंगे ताकि जब हम मसाले ऐड करें तो ईजिली इसमें मिक्स हो जाए। एंड इधर पे मेरे पास कुछ रोस्टेड मूंगफली रखी हुई थी, तो इनको भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला, थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। फिर इसे एक एयरटाइट डिब्बे में भर के रख देंगे ताकि इसी तरह ये कुरकुरी और क्रिस्पी बनी रहे। तो देख सकते हैं कि एक बढ़िया सी हेल्दी सी नमकीन बनके तैयार हो गई है। तो आप लोग भी इसे घर पे जरूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।